सो गाइस देखिए, पहले आप सभी को करना है कि पहले इस बैकग्राउंड का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना। एंड गाइस अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इस तरह का, जिसको बैकग्राउंड करना नया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप सिंपली बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना वीडियो को देख के। ओके सो गाइस, इसका पहले मैं सैचुरेशन ह्यू ब्राइटनेस को गाइस आपको मेंटेन कर लेना, मैंने कर लिया गाइस, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आप सभी को करना है कि इसके साइज को बड़ा करके सिंपली आपको अपने बैकग्राउंड पर फिट कर लेना है। सो गाइस, मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट बना रखी क्योंकि यार ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती है ना, तो यार आप सभी कमेंट करते हो कि यार भाई बहुत बड़ी वीडियोस बना देते हो, काफ़ी स्लो बोलते हो और काफ़ी स्लो करते हो, तो इसलिए मैंने गाइस आप सभी के लिए मैंने थोड़ी फास्ट वीडियो बनाई है। तो ठीक है, तो अगर कोई मिस्टेक होती तो गाइस आप मुझे दोबारा बता देना। ओके तो गाइस, इसके बाद जाना मैं टूल्स में दोबारा, एंड जाएंगे ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस कर देंगे जीरो, एंड जाएंगे रिजल्ट टूल में। ओके सो रिजल्ट टूल में जाने इसको इन्वर्ट कर देंगे, एंड गाइस ब्रशेस में जाकर हम नीचे शेडो क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, सो इस तरीके से आपको आप सभी को शेडो क्रिएट कर लेना है। शेडो क्रिएट करने के बाद गाइस आप सभी को ओपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेना, गाइस आप कितना रखना चाहते हो। ओके गाइस, तो उतना रख लेना। सो डन करते हैं गाइस। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक पीएनजी का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, तो गाइस उसको भी आप इसका भी यूज़ कर लेना। तो ये हमारा गाइस ब्लू लाइट है गाइस, जो कि हमारा जो वाटर है गाइस ये नीचे जो उसका वो ब्लू रिफ्लेक्शन है हमारे ऊपर आए, तो इसलिए हमने ब्लू कलर का ये लिया है, ठीक है, लाइट का पीएनजी। तो गाइस हमें जाना है इसको ब्लेंड में जाना गाइस। ओके सो ब्लेंड में जाके हमें पहले करना है इसको स्क्रीन। ओके सो गाइस, स्क्रीन में करने के बाद गाइस आप सभी को इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, एंड इसके बाद इसका डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पे लगाएंगे गाइस। एंड इसको यहाँ पे लगाने के बाद गाइस सबसे करना क्या है, इजर टूल में जाना है, एंड गाइस की हाइटनेस है ओपेसिटी को कम करके इसको रेस करना सिंपली नीचे से। ओके एंड गाइस, सेकंड स्टेप दूसरे वाले पे यही करना है, एंड इसको रेस करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस पहले एक बार ना इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना, एंड गाइस हम एक बार ना इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई में देखते हैं। तो गाइस मल्टीप्लाई में इतना खास नहीं है, तो हम इसको स्क्रीन ही रहने देंगे एंड कर देंगे डन। ओके गाइस, हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है। तो गाइस अभी हम इसमें थोड़ा गाइस ब्लैक जो हमारी टी शर्ट है इसको थोड़ा ब्लैक करने की ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा सा डोजन बन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जाएंगे एंड ब्रशेस में जाएंगे, साइज को गाइस देखिए ओपेसिटी को आपको रखना 9 या 10 के आसपास, एंड गाइस सिंपली आप सबको साइड साइड में से गाइस पेंट करना गाइस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेंट कर लेना गाइस ऐसे आपके अपने कपड़े के ऊपर, जहाँ जहाँ पे आपको गाइस लगता है हमें ब्लैक ब्लैक देना चाहिए, तो वहाँ वहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से पेंट कर लेना। उसके बाद जाना आप सभी को व्हाइट कलर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद गाइस सबको अपने फेस पे देना गाइस। तो पहले इसके साइज को मैं छोटा करूँगा, यहाँ से अंडो करूँगा, एंड उसके बाद सिंपली इस तरीके से यहाँ पे शाइन इफेक्ट देना। ओके गाइस, सो ये करने के बाद गाइस सबसे करना क्या, फोटो यहाँ से सेव करनी है गाइस। हमारी फोटो एकदम एडिट हो चुकी है, तो अभी हमें करना है इसमें कलर करेक्शन। तो ऐसे बैक चलते हैं, चलते लाइट रूम के अंदर। तो गाइस अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ताकि आप 2-3 मतलब जो भी रोज़ मैं कंटेंट डालता हूँ आप उसको मिस ना कर पाओ, तो सब्सक्राइब कर लेना, सबसे बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो गाइस हमने फोटो को अपनी ऐड कर लिया है, गाइस फोटो को ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इसको मैं ओपन करता हूँ पहले। एंड ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसका कॉन्ट्रास्ट को मतलब थोड़ा सा हल्का सा 1 पॉइंट तक आपको इसके ब्राइटनेस को बढ़ा देना एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना। ओके गाइस आगे की तरफ, एंड शेडो को भी बढ़ा देना, नहीं कम करना है गाइस। ओके शेडो कम कर लेना है, एंड जो ब्लैक है हम इसको भी थोड़ा कम करते हैं माइनस की तरफ, ठीक है, 25 या 20 तक आप रख लेना जो भी है। ओके सो उसके बाद चलते हैं नीचे टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं थोड़ा 70 के आसपास, 70-60 के आसपास, एंड चलते हैं इमिक्स में, एंड ब्लू कलर लेते हैं गाइस, ठीक है। ब्लू कलर के सैचुरेशन को ह्यू को हम बढ़ा देंगे, एंड सेकंड ब्लू में जाएंगे इसके ह्यू को बढ़ाएंगे। ओके गाइस, सो माइनस में रखते हैं ह्यू को, एंड सैचुरेशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ से डन करते हैं, एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस आप सबको उसकी क्लियरिटी को बढ़ाना है फोटो की, ताकि हमारी जो फोटो क्लियरिटी थोड़ी अच्छी हो जाए, तो इसलिए क्लियरिटी को बढ़ा देना है। एंड विगनेट डालते हैं गाइस थोड़ा सा, ठीक है, 11% माइनस रखते हैं, एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट को भी बढ़ा देना है, ताकि जो मतलब थोड़ा सा नॉइज़ आ जाएगा ना फोटो में, तो गाइस थोड़ी फोटो अच्छी लगती है। नीचे वाले टूल में जाना है, फिर शार्पनेस को बढ़ा देना, ताकि फोटो हमारी एचडी क्वालिटी में है, एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, ताकि जो भी फोटो में नॉइज़ होगा वो हट जाएगा। तो कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, एंड गाइस देखिए हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप कि गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गाइस मैं रोजाना आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।